नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पंजाब में आतंकवादी हमला, 6 की मौत। पंजाब में लगभग 25 साल बाद एक बार फिर आतंक ने दस्तक दी है। सेना की वर्दी में गुरदासपुर के दीनानगर में घुसे 3 से 4 आतंकियों ने एक थाने पर कब्जा कर लिया। सुबह 6 बजे के करीब ये आतंकवादी घुसे थे। सेना और पुलिस ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। बताया जाता है कि कुल 8 पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू के रास्ते से पंजाब में घुसे हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना का कहना है कि ISIS धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ISIS की कोई बड़ी आहट नहीं है, लेकिन संगठन इस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और सुरक्षा ग्रेड को इस खतरनाक संगठन को देश में पांव पसारने से रोकना होगा। उत्तरी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने कई युवकों के आतंकवाद में शामिल होने पर भी चिंता जताई, लेकिन कहा कि यह संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को बदल सके। सैन्य कमांडर ने कहा कि क्षेत्र की ओर से ISIS का बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम इसे धीमे धीमे देख रहे हैं, हम इसे अफगानिस्तान में पहले देख चुके हैं। याकूब के समर्थन में उतरी कई चर्चित हस्तियां। मुंबई हमले के दोषी आतंकवादी याकूब मेनन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए OVC, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, निर्देशक महेश भट्ट, CPM नेता सीताराम येचुरी, बृंदा करात और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी सहित लगभग 300 लोगों ने राष्ट्रपति को एक नई याचिका दायर कर उनसे याकूब की मौत की सजा माफ करने का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अभिनेता सलमान खान ने याकूब को फांसी न दिए जाने संबंधी ट्वीट करके विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने सभी ट्वीट हटाकर माफी मांग ली है। टाडा अदालत द्वारा जारी फांसी वारंट के अनुसार मेनन को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है। 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार 12 धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी। याकूब के समर्थन में याचिका देने वालों का विरोध करने वाले भाजपा नेताओं का कहना है कि कभी मृतकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त कर देते हैं।